एक्चुअली मैं वो ट्रेलर पर लादने वाला सिस्टम मशीन आया है हमारे गांव में, तो इसी का शूट कर रहे हैं और अभी देखो नहीं कि ठीक से क्या है नहीं है, तो वहां पर चल रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि कैसा है कैसा नहीं है। आपको लेना चाहिए कि कितना घंटा में कितना करता है उसके बारे में भी बताएंगे, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। देखिए एक तरफा से इसका लेदरी जो है एक तरफा फेंक रहा है। सोनालिका का गाड़ी है, कितना एच पी है वो भी बताएंगे। बहुत प्यारा सा मशीन है, देखिए एकदम जिस तरह गेहूँ कटाता है उसी तरह कटा रहा है। बहुत पीला है, खेत पीला है और धान भी हरियर है। सोनालिका का गाड़ी है और कितना एच पी है वो भी नहीं बता सकते हैं। और देखिए पीछा में इसका जो है फेंक रहा है लेदरी। तो यहाँ पर अभी भाई जी है, अभी खेत में हमारे गाड़ी चल रहा है। आपको प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो आपको जानकारी देंगे, जरूर जानकारी देंगे। बताइए कि कितना घंटा में कितना एकड़ माने बीघा में कन्वर्ट करके बताइए। खेत पर और धान के परिवार पर निर्भर करता है कि एक एकड़ में कितना कटेगा। और परिचय बताइएगा। मेरा नाम अमन मिश्रा है जी। मैं कांडी थाना के बसतपुर गांव का निवासी हूँ जी। ये मैंने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर 2019 में लिया था जी, बरनाला जाके। मेरी अपनी निजी 15 बीघा के आसपास खेती होती है जी। आज हमको पहले गर्व हुआ कि हमारे कांडी में भी ऐसा आदमी मिला है कि खेती करते हैं। तो जी एक घंटा में कितना कटाई कर लेता है? एक घंटा में अगर वो निर्भर करता है फसल कैसी है जी, और आपकी खेत कैसी है जी। फसल कैसी है और खेत कैसी है आपकी, अगर फसल जोरदार होगी तो कम कटेगा। एक घंटा में 10 कट्ठा भी कर सकता है, 8 कट्ठा भी कर सकता है, 15 कट्ठा भी कर सकता है। और कोई भाई अगर हमारे मुजफ्फरपुर जिला से अगर कटवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर अपना बोल दीजिए। 7909093878 जी। एक बार रिपीट कर दीजिए, 7909093878। तो चलिए बहुत अच्छा बात है। देखिए ज़्यादातर मेरा ये बिजनेस नहीं है जी, लेकिन अब कोई अपने लोग हैं तो वहाँ पे चले जाते हैं जी जी। जाना ही चाहिए, काम है ट्रेवल एजेंसी वगैरह, काम है मेरा अपना शॉप वगैरह है जी जी। तो अब ये एन बाबू जो है अपने जी, कितना एच पी का गाड़ी है? 60 एच पी का गाड़ी है। बहुत अच्छा कटाई कर रहा है और ये गेहूँ भी काटती है, गेहूँ के साथ साथ गेहूँ और भूसा भी जी गेहूँ के साथ साथ माँ करती है, उसका अलग से। बहुत अच्छा बात है, दोनों काम हो जाता है, धान और गेहूँ सब काम पूरा हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग कैसे वीडियो लाते रहते हैं हम।
गाड़ी बिकाने वाला भी है, कोई आदमी अगर गिना हो तो अभी धान भर चुका है, अभी धान को जो ओवर हुआ है उसको जा रहे हैं धरने, तो चलिए लोडिंग करने। तो चलिए, मेरा ट्रैक्टर वहाँ पर लगा हुआ है, अभी रखाएगा वहाँ पर, दिखाएंगे किस तरह धान इसमें से ढलाएगा। जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीज हमारे मुजफ्फरपुर जिला में शायद लगता है कि एक ही होगा। पहला बात ये, हम लोग ज़्यादा करके हरियाणा पंजाब में ये मशीन ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम देखते हैं। तो मेरा पावर टिप 4455 लगा हुआ है वहाँ पर, चूली के साथ में चलते हैं और दिखाते हैं कैसा है। देखिए अब धान गिरेगा इसमें से, किस तरह इसमें से जाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर देखिए खेत में पानी भी उखड़ गया, कादू की ज़्यादा था। और हमारे ये साहु जी हैं जो बिजोर काम करते हैं, बहुत ईमानदार बहुत मेहनती है साहु जी। एक और कर रही है लेना, ये बिछा देते हैं, इस पर करिए ना, बिछा रहे हैं भाई। पिंपल बहुत बिजोर है, इनका जो ओनर है वो कह रहे हैं कि इसको बेचना है हमको, कोई रखने बहुत मेरा लंबा चौड़ा काट हो गया है। देखिए धान इसी जगह में है गिरेगा, भाई जी दब जाइए। एक्चुअली मैं टेलर पर लादने वाला सिस्टम, ये वाला टेलर का तो चीज़ें है, टेलर पर लादे करता है, प्रॉब्लम आ गई है। बोरा पकड़ लीजिए ना, बोरा में कसा जाएगा।
बात है। इधर इधर साइड में बोरा लगाई एग्जैक्ट अंदाजा लगा।